वैदिक गर्भ संस्कार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए ऐसे बेहतरीन टिप्स लेकर आई हूँ जो आप घर पर ही अपना कर अपने आप को नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार कर सकती है। आजकल नॉर्मल डिलीवरी के फायदे तो आप जानती ही है। यह आपकी और आपकी होने वाली प्यारी सी संतान के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। यदि आपका नौवां महीना शुरू नहीं हुआ है तब भी यह वीडियो आपके लिए है और आप नौवे महीने में कदम रख चुकी है, तो समझो जल्द ही आपका प्यारा सा नटखट बेबी आपकी गोदी में होगा। यदि आपकी डिलीवरी कुदरती प्रक्रिया से यानी नॉर्मल तरीके से होती है तो बेबी को बहुत फायदा मिलता है। जब शिशु बर्थ कनाल यानी जन्म देने वाली नलिका से होकर गुजरता है तो यह शिशु की इम्यूनिटी स्ट्रोंग होने के कारण वह बच्चा सी सेक्शन के मुकाबले ज्यादा स्ट्रोंग होता है। उसकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी ज्यादा होती है। नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे के दिमाग का विकास भी अच्छी तरीके से होता है। नॉर्मल डिलीवरी के दौरान योनि मार्ग से निकलने वाले शिशु का फेफड़ों में जाने वाला जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वह निकल जाता है। इससे शिशु को जन्म के समय सांस लेने की समस्या कम होती है। तो फ्रेंड्स, आप भी नॉर्मल डिलीवरी चाहती है तो यह टिप्स आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात, नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चेदानी का मुंह खुलना बहुत ही जरूरी होता है। बच्चेदानी का मुंह यानी जिसे हम सर्विक्स कहते हैं वह नॉर्मली क्लोज्ड होता है। उसको 10 सेंटीमीटर जितना खुलना होता है। जब वह 10 सेंटीमीटर खुल जाता है तब बच्चा आसानी से बाहर आ जाता है। जब से आपका लेबर पेन शुरू होता है तब से आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है और वह धीरे धीरे 1 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक खुलता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि नौवे महीने में आपको कौन सी चीजें खानी है ताकि आपकी बच्चेदानी का मुंह जल्दी खुल सके। तो इसके लिए आपको ऐसी चीजें खानी चाहिए जिसकी तासीर गर्म हो, जैसे कि हल्दी, केसर वाला दूध, लहसुन, अदरक, अजवाइन के लड्डू, खजूर, घी, कैस्टर ऑयल। ऐसी गर्म चीजों को आपको अपनी डाइट में नौवां महीना शुरू होते ही शामिल करना है। इन सब का इस्तेमाल आपको करना चाहिए ताकि आपकी मांसपेशियां ढीली और लचीली होने के कारण बच्चेदानी का मुंह खुलने में आसानी हो। प्रेगनेंसी में ठंडा पीने से आपको बचना है। प्रेगनेंसी में ठंडा खाने पीने से आपको बचना है। जितना हो सके गुनगुना पानी ही आपको पीना है। आपके डिलीवरी का समय जब नजदीक आता है तब मांसपेशियों में तनाव पैदा होता है, इसीलिए आपको प्रेगनेंसी के 9वें महीने में गुनगुना पानी पीना चाहिए जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो और आपकी पाचन में सुधार आए और आपको कब्ज की शिकायत ना हो। इसके लिए आपको दूध में हल्दी डालकर उसमें 1 चम्मच कैस्टर ऑयल डालकर पीना है। यदि आपको कब्ज रहती है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस घट जाते हैं। कब्ज के कारण आपका अंत भरा रहता है, बेबी नीचे नहीं आ पाएगा, तो इसीलिए आपको कब्ज नहीं होने देना है। 9वें महीने के दौरान आपको कब्ज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कब्ज नहीं होगा तो आपका अंत भरा नहीं रहेगा और बेबी को नीचे आने में आसानी होगी, इसलिए आपको कैस्टर ऑयल 9वें महीने में 1 दिन में 1 चम्मच पीना है। यह बात तो आपको करनी ही करनी है जिसकी वजह से आपकी मांसपेशियां ढीली और लचीली होगी और बच्चेदानी का मुंह खुलने में आसानी होगी।
अजवाइन के लड्डू तासीर में गर्म होते हैं और यह डिलीवरी के लिए शरीर को ताकत और मजबूती देती है। डिलीवरी के बाद भी अजवाइन के लड्डू खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। अजवाइन के लड्डू डिलीवरी के दर्द को सहन करने की ताकत देता है और प्रसव के बाद शरीर में आई हुई कमजोरी को दूर करता है। अजवाइन की तासीर गर्म होने के कारण आपकी मांसपेशियां ढीली और लचीली होती है, जिससे बच्चेदानी का मुंह आसानी से खुलता है। तो आपका जब नौवा महीना शुरू हो जाता है, तब से आपको यह सभी चीजें खाना ही खाना है। यदि आप यह सभी चीजें फॉलो करती है तो 90% चांसेस बढ़ जाते हैं आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। जब आपका बच्चेदानी का मुंह खुलने लगता है तो डिलीवरी आसानी से होगी, इसलिए आपको यह सभी बातों का ध्यान रखना है। सबसे ज़रूरी बात, नौवे महीने में आपको वॉक करना है, एक्टिव रहना है। वॉक करना रक्त के प्रभाव को बढ़ाकर गति के फैलाव में मदद करता है। प्रेगनेंसी के नौवे महीने में वॉक करना आपकी बच्चेदानी का मुंह खोलने में भी बहुत मदद करता है। इससे बच्चेदानी का वजन गर्भाशय पर दबाव डालता है, इससे प्रसव पीड़ा हो सकती है और समय से डिलीवरी हो सकती है। आपको पूरे टाइम आराम करना, सोते रहना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसीलिए जितना हो सके थोड़ा थोड़ा काम करिए, थोड़ा थोड़ा आराम करिए, लेकिन हर समय एक्टिव रहिए। आपको नित्य स्क्वाट करना है। नियमित स्क्वाट करना आपके लिए फायदेमंद है, जो आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार करेगी, जो आपकी मांसपेशियां ढीली और लचीली करेगी, जिसकी वजह से बच्चेदानी का मुंह खुलने में आसानी हो। नियमित और पर्याप्त मात्रा में आपको सोना है। रोज अच्छा सोना आपके शरीर को तनाव मुक्त बनाने में बहुत हेल्प करता है, जिससे आप बाकी के टाइम रिलैक्स फील करेगी। आपको कम से कम 8 से 9 घंटे सोना ही चाहिए। नौवे महीने के दौरान आपको हल्का और पौष्टिक खाना ही खाना है। ज्यादा भारी और ज्यादा मात्रा में बिल्कुल नहीं खाना है। तीखा तला तो आपको अवॉइड ही करना है। तीखा खाने से आपको एसिडिटी हो सकती है, आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है, तो आपको यह बात अवश्य ध्यान में देनी है। सिर्फ 1 महीने की तो बात है, फिर चाहे आप जो खाना चाहती है खा सकती है, इसीलिए आपको यह बात ज़रूर ध्यान देनी है। सबसे ज़रूरी और अंतिम बात, यह तो आपको करना ही करना है, आपको नौवे महीने के दौरान स्ट्रेस फ्री रहना है। यह बात सबसे ज़रूरी है कि आपको डिलीवरी का टेंशन नहीं लेना है। अपने शरीर और मन को डिलीवरी के टेंशन से मुक्त रखना है। आपको पूरे दिन के दौरान खुश रहना है। यदि आप स्ट्रेस में रहेगी तो आपके शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन निकलता है, जो शरीर के मसल्स को कड़क बना देता है, जो बच्चे को आसानी से नीचे नहीं आने देता है। इसीलिए आपको रिलैक्स रहना है, टेंशन फ्री रहना है, खुश रहना है। आपको पूरे दिन के दौरान म्यूजिक सुनना है, गर्भ संस्कार को फॉलो करना है, अच्छी अच्छी बातें सुननी है, म्यूजिक सुनना है, ताकि आप खुश रह पाए, ताकि आप पूरे दिन एक्टिव रह पाए। गर्भ संस्कार की अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जो आप जब भी टाइम आपको मिलता है तब देखना, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आपको नौवे महीने के दौरान गर्भ संवाद जरूर करना है, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, आप बेबी को भी फील कर पाएगी। आपको यह टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।